हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकित भाटी, रोजगार विद अंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रॉफिट लॉस, बेशक आपको लग रहा हो चैप्टर थोड़ा लंबा हो रहा है, पर कोई बात नहीं है, चीज़ें बस समझ आनी चाहिए। चैप्टर तो छोटा अपने आप लगने लगेगा, जब चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी तो मतलब समस्या नहीं होनी चाहिए, लंबा कितना भी हो चैप्टर। बस ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूर आता है, 1 से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन तक भी एग्ज़ाम में खूब आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन है, देखेंगे आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको इसमें कराने वाला हूँ, हल कराने वाला हूँ, और बहुत आसान तरीके से हम हल करेंगे, और इन सवालों में सब में अपनी समझ विकसित करेंगे कि भाई ऐसे क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची, यदि वह इसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ हो जाता, तो 12.5% लाभ कमाने हेतु उसे कितने में बेचनी चाहिए। तो ये उसने सवाल किया है। देखिए, ऐसा सवाल तो हमने यहाँ तक का तो पहले भी कर रखा है, लेकिन अब ये नहीं पूछता था, उसमें पूछता था क्रय मूल्य बताओ, इतना सवाल पहले भी आया है। तो उसको हम कैसे करते थे कि 2.5% हानि और वो लाभ कितने का, 7.5% का, तो दोनों में अंतर देखते थे कि भाई ये कितने परसेंट का लाभ हानि आ रहा। जैसे यहाँ रुपया अधिक आए ना, अधिक हो या कम, इस रुपया की वजह से कितना परसेंटेज में फर्क आया। जैसे मान लो ये होता 5% हानि और 5% लाभ, तो मैं कहता 5 की हानि 5 का लाभ, ये 95 वो 105, तो 10% का फर्क है। तो सेम काम यहाँ करूंगा, ये 97.5 में जा रही है चीज 100 की, और यहाँ जा रही है 107.5 में, तो अब कितने का फर्क है, 10% का ही तो हुआ भाई। ये 97.5 में जा रही है, 2.5% हानि है तो, और ये कितने में जा रही है, 107.5% में, अगर परसेंट की बात कर रहा हूं तो। दोनों परसेंटेज का डिफरेंस कितना हो गया, 10%। आप देख लो ना, 10%। मैंने ये भी तो बताया, एक तरफ हानि और दूसरी तरफ लाभ हो तो दोनों को जोड़ दो अंतर के लिए, 7.5 में 2.5 जुड़ेगा, 10% आ जाएगा। ये जो 10% का अंतर पड़ा, ये किस वजह से पड़ा, आपको पता होना चाहिए कि 100 रुपये बढ़ाने से पड़ा। 100 रुपया जैसे ही उसने बढ़ा दिए, बजाय नुकसान के उसे लाभ होने लग गया, मतलब 10% का ज्यादा फायदा हो गया इसके मुकाबले। ठीक है, 10% ज्यादा में जान लगी चीज, कितने रुपए बढ़ाते ही, 100 रुपए बढ़ाते ही, तो 10% बराबर 100 रुपया। अगर आपको क्रय मूल्य पूछा होता तो मैं 100% का मान निकाल लेता, उत्तर आ जाता। कितना आसान ये सवाल था, लेकिन क्या क्रय मूल्य पूछा एक बार सवाल पढ़ के तो देखो, नहीं जी, क्रय मूल्य नहीं पूछा, विक्रय मूल्य ही पूछा, SP ही पूछा है, लेकिन अब के 12.5% लाभ चाहिए, तो 12.5% लाभ को, 12.5% लाभ को मैं ये कहता हूं इतने की वैल्यू चाहिए। अब इतने की वैल्यू चाहिए तो 1% बराबर 10 और 112.5% बराबर, आप जानते ही हैं क्या करना है, गुणा करनी है बस। तो चलिए ना, तो 112.5% को डायरेक्ट ही ना निकाल दूं, 100/10 1% की वैल्यू, और जितने की चाहिए उतने का मान निकाल दो, बस हो गया काम। ये है आपका उत्तर, सिर्फ इतना सा समझ आनी चाहिए बात कैसे कैसे किया है। देखिए, पॉइंट हटा दूं, 0 लग गई, 100 से 100 कट गया, उत्तर आ गया 1125 रुपए में बेच दो जी, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ बस। क्रय पूछता 100 का मान, क्रय से थोड़ा सा बढ़ के उसने ये पूछ लिया, इस बार क्रय नहीं चाहिए ये बता दो बस, तो वो बता दिया हमने, 100 का मान ना पूछ के इसका मान पूछना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर है, उम्मीद करता हूं एकदम क्लियर है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। चलिए नंबर दो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। ये जितने भी सवाल है, ये सब 4 जो सवाल हैं बेईमान दुकानदार के टाइप हैं, और उसके बेईमानी करने के तरीके बताए हैं बस।
ठीक है, कि वो बेईमानी कितने कितने तरीकों से करता है। एक तरीका तो ये है कि वो बाट का कम प्रयोग कर दे, ठीक है, बाट का कम प्रयोग ही, दूसरा भी यही है, लेकिन इसमें पूछ उल्टा लिया, परसेंटेज दे दिया, बाट का प्रयोग पूछ लिया, इसलिए ये सवाल मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। तीसरे सवाल में क्या करा उसने कि लाभ भी ले रहा, अब तक इन दोनों में लाभ नहीं ले रहा था, बता के लाभ नहीं ले रहा था, पता क्या बोल रहा था कि मैं जितने में खरीद के लाया हूं, मैं इतना ईमानदार आदमी हूं, उतने में दे रहा हूं, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, तो ये वो कर रहा था, लेकिन यहां पे लाभ भी ले रहा, भाई मैं भी तो बैठा हूं, मुझे चाहिए कुछ, ठीक है 10% अपना ये मार लिया, ऐसा कह के ग्राहक कहेगा हाँ यार इसको कुछ तो चाहिए ये बैठा, चलो। और फिर सबसे बड़ा काम उसने ये कर दिया, कह के लाभ भी लिया और तोल में मार दिया ग्राहक को, ठीक है, तो दो जगह, ये दूसरी टाइप उसकी तरीके की हो गई। अब देखो तीसरे तरह की बेईमानी क्या होती है, उसको भी सुन लो, क्योंकि जब तक डिफरेंशिएट नहीं करोगे बेईमानी, तरीके ध्यान नहीं रहेंगे, तरीके ट्रिक जो भी कुछ है वो तभी ध्यान रह पाएगी जब आपको सवाल पता लगे, अच्छा ये वो वाला है, ठीक है, ये जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या करता है कि 10% घोटाला खरीदते, इसमें भी किराए पर ही बेचेगा, जितने में लाए उतने में ले जाओ, पर क्या कर रहा है, जहां से दुकानदार के घर में थोड़ी बनती है चीज, वो भी तो कहीं से खरीद के ला रहा है, तो खरीद के जहां से ला रहा था, 1 किलो की चुंबक बनवा रखी, 1 किलो की नहीं मतलब 200 ग्राम की मान लो, 200 ग्राम की चुंबक बना रखी थी। अब उसको जैसे ही 1 किलो जी इलायची तोल दे, इलायची में तो बहुत फर्क पड़ेगा ना, इलायची छोटी इलायची बड़ी महंगी होती है, तो 1 किलो इलायची ला रहा, 10% का घोटाला कैसे करा, 1 किलो पे 100 ग्राम की चुंबक, जैसे आप मान के चलो, मतलब मान के चलो ऐसे 100 ग्राम की चुंबक बाट की तरफ लगा दी, बाट की तरफ जब ले रहा खरीद रहा, 10% का घोटाला समझो कि बाट कितने का बना दिया उसने, 1100 ग्राम का, तो ऐसे 10% का घोटाला तो वहां कर दिया, ठीक है। और दोबारा क्या किया, 10% का घोटाला बेचते समय जब ग्राहक आ गया पूरा 1 किलो का ही, उस पे पूरे 1 किलो का ही ग्राहक आ गया, अब वो क्या किया, वो तो 1100 ग्राम रख के बैठा, 1 किलो का ग्राहक आया, उसे तो पता नहीं, तो यूं ही ना दे दे थैली, 1 किलो लाया ले जा, इतना ईमानदार थोड़ी है वो, भाई मैं जितने में लाया उतने में दे रहा हूं, घर किया आपसी बात, ठीक है। इसलिए तो उसने क्या किया, अब आपसी बात का देखो, दुकानदार है वो, तो जिधर सामान तोलता है बेचते समय, जिधर सामान तोलता है उधर पहले ही चिपका दी वो चुंबक, ठीक है, और 1 किलो का बाट देख भाई ये रहा, ठीक है, निकाल लिया, ग्राहक भी खुश, उतने में ही ला रहा हूँ, पूरा 1 किलो नाप के दे रहा, तो भाई वो उसको वहां मार दिया उसने, तो 10% का घोटाला वहां और 10% का वहां, ऐसे करे उसने दो तरह के घोटाले, ठीक है। ये तगड़ा दुकानदार निकला सबसे, ठीक है, ये वाला, क्योंकि ये इसने उस अगले वाले को भी मारा है और ग्राहक को तो मारा, ये अब तक ग्राहक को ही कर रहे थे बेचारे, ठीक है। चलिए अब देखो, अब सवाल के तरीके समझो, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, ठीक है, बेच रहा जी 1 किलो के स्थान पर, लेकिन 960 ग्राम ही तोल रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत तो होना ही होना है, कितने ग्राम में बता दो, अब तक लाभ रुपए में देखते थे, अब देखेंगे लाभ ग्राम में कितना, 40 नीचे होता है सीपी, मतलब क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या होगा, जो 940 होगा या 1000 होगा, ये बताना है आपको, सॉरी 960 होगा या 1000 होगा, तो वो 960 इसलिए होगा क्योंकि सीपी होता है जो भी उसने घर से खर्च करी है चीज, अपने दुकान से खर्च उसने 1 किलो खर्च किया या 960 खर्च किया इसको देने में, 960 तो सीपी होता है जो भी उसने दिया, जो भी उसके घर से गया वो 960 गया, 1 किलो नहीं गया, 1 किलो तो ग्राहक समझ के ले जा रहा उसे, ठीक है, और गुणा 100, बस ग्राम में देख लिया मैंने फायदा, और मुझे दिखा ये तो बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल आसान है, 4 से 24 कट जाएगा, और देखिए 100/24 इनको फिर 4 से काट दो 25/6 और देखोगे तो 4 सही 1/6% लाभ। बच्चे क्या गलती करते हैं, कुछ नहीं करते, सबको पता होता है करना ऐसे, लेकिन यहां 1000 कर जाएंगे, और उत्तर भी देखो 1000 रखते ही इतना जोर का आएगा, बहुत टॉप का उत्तर, मतलब 4%,
ठीक है, लगेगा कट के बढ़िया, यूं ही तो बताइए हमें, बढ़िया कट जा, तुम सही कर रहे हो, ऐसे तो मतलब ऐसे मत मान लेना, ठीक है, कई बार ऐसी आती है कैलकुलेशन। ठीक, चलिए, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, चलो बहुत अच्छा दुकानदार है, परंतु फिर भी वह 11 सही 1/9% का लाभ कमाता है, ये कैसे कमा लिया बता रहा है, तो वह किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम का बाट प्रयोग करता है। पिछले में तो दिया इतने ग्राम का बाट है, वो तो सवाल कुछ है ही नहीं फिर तो, वो तो ईजी है एकदम, ये भी ईजी है, ये कैसे, इसको ऑप्शन से ले लो और जिससे भी ये आपका लाभ आ जाए, बिना ऑप्शन के बताऊंगा, मुझे पता तुम्हारे जैसे और भी होंगे, ठीक है, बिना ऑप्शन के भी जरूर बताऊंगा, वो जरूरी है, चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आप समझ लो पहले ऑप्शन के साथ कि भाई कितने ग्राम का बाट प्रयोग किया, तो मैंने माना 960 का प्रयोग किया, 960 का तो अभी करा थोड़ी देर पहले, 4 सही 1/6 आया कि नहीं आया, हमें लाना ये, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अगर जैसे ही आप सबको चेक करोगे 900 ग्राम पे जाओगे, तो 900 पे जाओगे तो 100 का लाभ कितने पे, 900 दिया घर से तो 900 ही दिया और गुणा 100, और हमने देखा 9 का भाग इसमें दूंगा, 11 सही 1/9% बिल्कुल आ गया जी 900 से, 900 ग्राम से उत्तर आ गया। ये तो है ऑप्शन का मेथड, सारे ऑप्शन चेक कर लो, ज्यादा देर इसमें भी नहीं लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, ठीक है। पर देखो इसको अब आप कहो जी तरीके से कैसे किया जाए, चलो यहां तो आ गया परसेंटेज ऐसा, इससे भी करूंगा टेंशन मत लो, अभी अगर आ जाता 10% लाभ, पहले उस बात को समझें, ये कहता 10% का लाभ लेता है, तो बताओ उसने कितने का बाट प्रयोग किया, मैं पहले 10% को समझा रहा हूं, इसको आपसे करवाऊंगा। तो 10% का अगर होता तो मैं 10% को दो चीज बनाता हूं, 100 110, बनाता हूं कि नहीं बनाता ये बताओ। अब 1000 ग्राम का बाट प्रयोग उसको करना है, उसको लाभ चाहिए, तो 1000 से कम तो लगे या ज्यादा, नहीं बता दो बस, कम तो लगेगा तो कम कैसे करूं इन दोनों की हेल्प से, जल्दी बताओ, 100 हो जाएगा कम, तो ये आ रहा है। अगर आप देखोगे कि भाई अगर उसको लाभ ही लेना है तो इसका 11 का भाग इसमें कर दो, इतने ग्राम का उसको बाट प्रयोग करना पड़ेगा अगर उसको 10% लाभ लेना है, तो ये कितना आएगा, 11 99, फिर 1 बचा ना जाने की 0, फिर 11 99, ये आएगा इसे, इतने ग्राम का बाट प्रयोग करेगा तब 10% लाभ होगा, इतने का ग्राम का 909 ग्राम का करीब पॉइंट कुछ करके, ठीक है, इतने ग्राम का ये 10% में आई। अगर यही चीज 20% हो तो बताना जरा कितना, कितने ग्राम का बाट प्रयोग करेगा, 1000 गुना क्या कर दूं, 1000 गुना 100/120, क्योंकि मुझे 1000 को कम करना है, ठीक है। अगर आपने देखा तो 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 2500/3, और मैं देखूं कि भाई ये आ रहा है क्या, सही आ रहे हैं क्या, ये गलत तो नहीं आ रहे, चलो चेक कर लेते। तो चलिए ना, तो 3 से अगर मैं इसको काट दूं, 3 से काट दूं तो ये 800.33 आएगा शायद, इतने ग्राम का बाट प्रयोग करना पड़ेगा अगर उसको चाहिए कितना, 20% लाभ, ठीक है। अब देखिए, अब आपके ये तो कैलकुलेशन कुछ बढ़िया सी नहीं लग रही जी, चलो एक बढ़िया सी कर लेते हैं, 25% लाभ अगर होता तो हम क्या करते, 25% लाभ, देखिए 25% लाभ में क्या करेंगे, 1000 गुणा 100/125, और मैं काटूं 25 पंजे 25 चौका, और 200 में काटूं, ये सॉरी 800 ग्राम, ये शायद हमने गलत भाग दिया है, 833.33 ना, 833.33, हाँ ये सही है, 800 ग्राम पे आ जाएगा 25%, तो पूरा भी एग्जैक्ट भी मैंने करके दिखा दिया, 833.33 पे आएगा 20% लाभ, और ऐसा लाभ किस पे आएगा, अब सिखा देता हूं ये, अब देखो आप ही करोगे इसको, अब मुझसे मत करवाओ इतना भी, चलिए देखते हैं अब इसको,
कि भाई ये आ रहा है 900 या नहीं आ रहा, चेक करवा दूं आपको, यही तो बात है बस। 1000 गुणा 10% था 100 110, 20% था 100 120, 30 है तो 100 130, 25 था 100 125, तो इसको क्या करूं 100 111 सही 1/9 कर दूं, कोई बुराई है क्या? बिल्कुल नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि भाई ज्यादा चीज नीचे है तभी तो कम लाने। 1000 गुणा 100 बटे 100 बटे, और इसको क्या कह दूं मैं 1000 बटे 9 बटे 9 कहां जाएगा? बात समझ में आई? देखो 900 ग्राम आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ गया। चलिए जी, अब क्लियर है कि बगैर ऑप्शन के कैसे करना है इसको। चलिए, बगैर ऑप्शन के आपको अच्छा लग रहा है तरीका? अजी बुराई तो बिल्कुल नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, तो चलो ठीक है, आपका जैसा मन करे वैसे करिए। चलो चौथा, एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, ठीक है तोल दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? चलिए देखते हैं। 10% लाभ पर चाय बेचता है, ठीक है जी, बिकवाएंगे चाय बिकवाएंगे। देखो इसको ऐसे समझो, जहां पे तोल का भी हो और जहां पे फायदे का हो रुपए में, ये रहा भाई 10% लाभ पर, तो यहां रुपया में ही लाभ ले रहा होगा, ऐसा तो है नहीं कि वो चाय पानी उससे उल्टा ले रहा हो, नहीं, लाभ रुपया में ले रहा होगा, यहां पे तोल में कर रहा है, दोनों ही काम आ गए हैं आपके, इससे बड़ा और क्या बनाएगा ये। तो अब आप इसको ऐसे समझिए, 1000 रुपया की, क्या मानू जो 1000 रुपया की 1 किलो या चीज, क्या मान लू ऐसी लौंग, अच्छा अरे पत्ती मान लो बढ़िया वाली, 1000 रुपए की, 1000 रुपए की 1000 ग्राम चाय पत्ती, नहीं नहीं चलो ठीक है, 1000 रुपए की 1000 ग्राम चाय की पत्ती, मतलब 1 किलो, 1 किलो समझ में आ रही है, मतलब होती है 25000 रुपए किलो की भी चाय है, कभी सोच रहे हो 25000 रुपए किलो की, कभी सोच रहे हो? ऐसी देखी हमने, पी तो हमने भी नहीं है, ठीक है, तो नहीं ऐसा देखा है, ऑफिस में रखी रहती है। चलिए 1000 रुपए की 1000 ग्राम चाय पत्ती आई, 10% लाभ पर चाय बेच दी, लाभ जो कमाया, ध्यान दीजिए ये तो है उसकी खरीद, ये तो है खरीद पूरी, लाभ जो कमाया 10% लाभ मतलब 1100 रुपया कमा लिए, कितनी चाय पत्ती देकर 20% कम तोलकर 800 ग्राम चाय पत्ती देकर। अब 800 ग्राम चाय पत्ती तो कितने रुपए की थी? 800 ग्राम दुकानदार की जेब से तो यही खर्चा गया है, कमाया कितना है 1100 रुपए। तो अब मुझे बता दो कि लाभ प्रतिशत क्या होगा? अरे यहां तो 10% लाभ लिया, यहां 20% कम तोली, कम तोल तो यही तो करूंगा, करूंगा कि नहीं? तो 1100 रुपया कमाए कितने रुपए से? रुपए की तुलना रुपए से, 800 रुपया से 1100 रुपया कमा लिए। तो मैं लाभ प्रतिशत कैसे निकाल दूं? लाभ प्रतिशत ऐसे निकाल देता हूं कि 300 रुपया का लाभ बटे 800 रुपया से कमाए गए और गुणा 100, 00 से 00, 4 से 2 बार, 4 से 75 बार, 75/2 को कह दूं 37.5%, ये आपका उत्तर है 37.5% लाभ। कुछ बच्चे इसको ऐसे भी करते हैं, उनकी कमी मैं बता देता हूं कि वो क्यों है ऐसी गलती। 10% लाभ 110, 20% कम तोला, इसको 120 कर जाएंगे। और मैंने क्या बताया, जब भी परसेंट में कोई कमी की चीज होगी कभी 120 से हो ही नहीं सकती। आप क्यों कर रहे हो 120?
कम को तो 80 तो कर सको, क्या फिर 80 कर दे इसको? हाँ, इसे 80 करके 110 में दे दो, तब भी वही आएगा उत्तर, तब भी वही आएगा, तो कोई टेंशन नहीं है। 120 जो करेंगे गलत उनका होगा, ठीक है। 120 क्यों नहीं करना, 20% अधिक होता एक बार को सोच सकते, पर लाभ होना चाहिए था वो, तब लाभ होना चाहिए तभी ऐसा करते हैं। चलिए ठीक है भाई, ठीक है, ये लाभ नहीं है, कम तोल है, कभी इसको लाभ सोचो, लाभ होता तब 120 करते हैं। अगर कुछ बच्चे यही है कि जी ये नहीं, हमारी बात समझ में नहीं आ रही कि 20%, तो मैं उनको बता दूं कि ये 20% अगर लाभ होता तो आप 110 120 बिल्कुल शौक से कर सकते हो। ये 20% कम तोल है क्या, फिर ये 20% लाभ नहीं है? नहीं, पता क्या है, 20% कम तोल, 100 ग्राम की चीज 80 ग्राम में जा रही है, 100 ग्राम चीज की जगह 80 ग्राम, तो लाभ कितना, लाभ इससे देखोगे, लाभ देखोगे 20/80 × 100, लाभ पता है कितना, ये 25% लाभ है। अगर तोल 20% कम करता है तो वो लाभ 25% होता है, तो फिर इसको 125 लिख सकते हैं क्या? अब कर सको, ये 110 × 125, जो इसी तरीके से करना चाह वो ऐसे कर सकते हैं। इस सवाल को बात आई समझ में या नहीं आई, ये आएगा 37.5, ठीक है। मैं उन बच्चों का कंफ्यूजन मिटा रहा हूं जो इसमें बार बार 120 करे जाते हैं, बस उनके लिए बात बताई है, ठीक है, पर अब मत करना आगे से कभी। चलिए, और वो पता है 120 क्यों कर पाते हैं, क्यों करते हैं, उनको सिखाया भी तो हमने ही है गलत सलत, क्यों, नीचे ट्रिक बता रखी है पांचवे में, इस वाली को ही लगाए जाओ वो ऊपर, ठीक है ना, ये चीज है वो। 10% घोटाला खरीदते समय बता दिया है कैसा घोटाला, 10% घोटाला बेचते समय करता है, तो घोटाले लाभ को करे जाए हानि को यूं बता दो, घोटाला हो रिक्स, और सजा भी है इस पर, पुलिस केस भी है, ठीक है। अब घोटाला कोई नुकसान को है, नुकसान ही कर लूं और घोटाला भी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो घोटाले हो फायदे को, तो ये 10% घोटाला भी 110, और ये 10% घोटाले वाले सवाल है ऐसे ही करोगे, अगर 20% घोटाला 120, यहां 10 आए 20 आ तब भी ऐसे कर लेंगे, 110 120 बिल्कुल टेंशन नहीं है, 100 से जितना ऊपर आए समझ लेना उतना फायदा, कितना फायदा, 21% का फायदा लाभ, बस उत्तर। 144 आया 44% लाभ, 132 आया 32% लाभ, एक तरफ 10% का घोटाला, दूसरी तरफ बेचते समय 20% का घोटाला, 110 × 120/100, ठीक है। तो ऐसे हम घोटाले वाले सवालों को निपटा देंगे, कोई दिक्कत है क्या किसी को यहां तक, चलो बहुत अच्छी बात है। अब नीचे के क्वेश्चन, दो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को और देखते हैं। लाभ हानि की क्लास कल और रहेगी, मतलब खत्म हो जाएगा क्या, नहीं फिर डिस्काउंट चलेगा, मतलब डिस्काउंट के ऊपर जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, तो मतलब कल और क्लास रहेगी जो ऐसे टाइप्स हैं, उन टाइप्स पे कल खत्म कर देंगे हम, डिस्काउंट की 3-4 वीडियो रहेंगी। एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 रुपए की दो कुर्सियां बेची, 720 रुपए की दो कुर्सियां, सॉरी 720 रुपए की दर से, दर मतलब क्या होता है, एक कुर्सी का रेट, तो प्रत्येक को 720 में, हाँ दर का मतलब एक इतने की, केलो को इस दर से बेचा गया, मतलब एक दर्जन का, दर्जन देर दर दर्जन की हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। चलिए, तो इसमें 720 रुपए की दर से दो कुर्सियां बेची, मतलब एक कुर्सी का रेट 720 है बेचने का, एक को 20% लाभ पर, एक को 20% नुकसान पर, दोनों 720 की दी थी, हाँ एक नुकसान पे गई एक फायदे पे गई, तो पूरे सौदे में उसको कितने परसेंट लाभ मिला या हानि मिली। तो ऐसे लगता है देखने में कि भाई जब दोनों ही बराबर की बेकी हैं और एक पर उतना ही लाभ और दूसरी पर उतनी हानि है, तो कुछ भी नहीं होना चाहिए पूरे सौदे में, जबकि इस सवाल में हमेशा हानि होती है, वो क्यों होती है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वो नीचे वाला क्वेश्चन भी इसलिए लिखा है ताकि मैं रुपया में भी आपको समझा सकूं। तो अगर इसकी आप ट्रिक देखें,
मैं तरीका भी समझाऊंगा, कोई बात नहीं है, ट्रिक देखें। तो 20% लाभ पर और 20% हानि पर। तो रुपया चाहे कुछ भी आओ, बेची होनी चाहिए, पहली शर्त इसकी ये है, खरीदी नहीं होनी चाहिए कुर्सी। 720 रुपए की दर से दो कुर्सियां खरीदी, ऐसा भी सवाल आएगा, आगे आएगा वो, लेकिन ये बेची हुई होनी चाहिए, तब आप कहोगे कि हानि होती है हमेशा। तो और दोनों का मिलाकर रेट नहीं होना चाहिए, प्रत्येक का होना चाहिए जैसे यहां पे है। तो हानि होगी 20% लाभ, तो लाभ को ऐसे लिख दो और 20% हानि को 80 लिख दो, 80 और बटे 100, और हमने देखा 100 की चीज हमारी 96 में होगी, क्योंकि हम 100 पे चेक करते हैं, तो हम कह देंगे 4% हानि। अगर ये 104 आता मैं कहता 4% लाभ। अब अगर एक पे 20% लाभ, दूसरे पे 10% हानि होती, तब भी लगा देते, बिल्कुल लगा देते। एक पे 20% लाभ, दूसरे पे 10% हानि, दोनों बराबर की बेची गई, तो 120 × 90 12 × 108 8% लाभ। बात आ रही है ना समझ में? क्या उनमें चल जाएगा ये? बराबर बराबर होनी जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। 20-10 भी होगा तब भी चलेगा, 20-30 भी होगा तब भी चलेगा, ये तरीका ठीक है। एक हानि एक लाभ, और दोनों ही लाभ पे होती तो तब भी चल जाएगा ये तरीका। एक को बेचा 20% लाभ पर, दूसरी को बेचा 10% लाभ पर, दोनों ही लाभ पे इस बार, तो 120 × 110 / 100 132, मतलब 32% लाभ तब होता। पर अब सवाल दिमाग में आएगा कि जी इस रेट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? ये 1200 हो, 720 हो, 1,00,000 कर दिया, कुछ बिल्कुल नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इस रेट का, चाहे ये रेट कुछ भी हो, ठीक है। तो ये ट्रिक कामयाब है आपकी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। अब आप कहो ऐसा दिखा दो एक बार कि ये हो भी रहा या ऐसे ही बहका रहे हो, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि जब लाभ हानि की इतनी समझ तो आप रखते हैं कि भाई अब हम ये देख सकें वास्तव में हो रहा है नुकसान या नहीं हो रहा है। चलिए वो मैं चेक कराता हूँ, ठीक है, ट्रिक ही नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ चेक भी करा रहा हूँ। 720 रुपया में बेची, एक की कीमत है 720, जिसकी देखिए दोनों की 720 है जो बिकी हैं, दोनों बेची गई हैं। मैं इसका खरीद भी निकालना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं लाभ हानि देख पाऊंगा अच्छे ढंग से, और मैं इसकी खरीद भी निकालना चाह रहा हूं। ये 20% लाभ पर बिकी, तो इसलिए इसमें से लाभ को हटा दो। क्या करूं जल्दी बताओ? बहुत बढ़िया सीख रहे हो, 100/120 कर दो, लाभ हट गया। खरीद पता लग गई कि ये जो कुर्सी थी ये 600 रुपया की खरीदी होगी उसने, जो 720 में दिया आया, बहुत बढ़िया। अब दूसरी जो कुर्सी है वो भी 720 की बिकी है, लेकिन ये नुकसान पर बिकी, तो ये कितने में खरीदी होगी बता सको जरा? अरे भाई ज्यादा में खरीदी होगी, 20% नुकसान होने के बाद इतने में जा रही है, नुकसान की भरपाई कर दो, खरीद आ जाएगी। नुकसान की भरपाई कैसे करूं? 100/80, क्योंकि 20% का। अब आपको पता चलेगा, देखो 8 × 9 = 72, 900 रुपया की। तो पहली जो कुर्सी वो 600 की खरीदी, दूसरी जो कुर्सी वो 900 की खरीदी, कुल मिलाकर दोनों कुर्सी कितने की खरीदी? 1500 की खरीदी कि नहीं खरीदी, यूं बताओ बस। और बिकी कितनी की है दोनों? दोनों कुर्सी बेची कितने की है? बेची, अरे भाई 720 की एक बिकी है, तो 720 × 2 1440 का माल बिका, 1500 का खरीदा गया था, नुकसान दिख रहा कि नहीं दिख रहा? रुपया का नुकसान पूछता तो कितने का बताते हम? 60 रुपया का, जैसे नीचे वाले सवाल में पूछा। क्या उसको ऐसे ही करूंगा फिर? ऐसे ही करेंगे, दूसरा भी तरीका ऐसे भी कर लेंगे। तो भाई ये रहा नुकसान रुपया में देखना, तो कितने बढ़िया तरीके से हमने देख लिया। अब आप चेक करवा रहा हूं आपको ये कि 4% का नुकसान है या नहीं है, चेक करो कैसे करते हैं, ये कितने परसेंट हानि है, परसेंट हानि बताओ। वो तो ट्रिक से किया, तरीका ये है, परसेंट हानि बताओ कैसे निकालूंगा, कितने रुपए की हानि है जल्दी बताओ,
और नीचे क्या लिया जाएगा? 1500 है ये 1500 सीपी हमेशा देखो आ रहा 4% या नहीं आ रहा। आ गया 4%। ऐसा है ये तरीका, रुपया में पता लग गई, परसेंट में पता लग गई, संतुष्ट भी हो गए कि हाँ जी है, ठीक है, सारे काम हो गए। क्या नीचे वाले सवाल को अब अपने आप कर सको? क्यों ना कर सके, ऐसे ही खरीद निकालो दोनों घोड़ों की अलग अलग और जोड़ के दिखाओ मुझे, फटाफट कर दो, लाभ हानि बिल्कुल उतने ही है जितने ऊपर वाले सवाल में थे, फटाफट कर दो, फिर मैं इसको ट्रिक की हेल्प से भी करवाऊंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लो। चलिए तो पहले आप अपना इसी तरीके से मुझे करके दिखा दो इस सवाल को कि भाई सब कुछ भूल जाओगे, कम से कम ये तो ध्यान रहेगा कि भाई ऐसे कर सके हम इस सवाल, बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए तभी मानूंगा कि हाँ आपके दिमाग में भर पाया। सातवां सवाल बिल्कुल करो, अगर मैं इसी तरीके से चलूं तो दोनों घोड़ों की खरीद देखूंगा, मुझे बेचना तो पता दोनों घोड़े कितने के बेचे, 12,000 गुणा दो 24,000 के बिके दोनों घोड़े, 24,000 रुपए, क्योंकि प्रत्येक 12,000 में बेचा, 24 के तो बिक गया, अगर मुझे खरीद और मिल जा तो मैं यूं ही देख लूंगा क्या रुपया का लाभ है क्या रुपया का नुकसान है। खरीद कैसे लाऊं? पहले घोड़े की अलग और दूसरे की अलग। तो पहला घोड़ा जो 12,000 का बेका है वो 20% लाभ पर बिका था, तो लाभ को हटा दो, उसकी खरीद आ जाएगी, लाभ हट गया जी। दूसरे की, अब दूसरे पे आ जाऊं साथ साथ ही, दूसरा भी 12,000 का बेका था लेकिन ये गया था नुकसान पर, नुकसान की भरपाई कर दो 20% नुकसान की। क्या करूं? 100/100 ये रखने आए नहीं आए यूं बताओ, बस 80/100 100/80 भरपाई करनी है नुकसान की, खरीद पर जाना तो भरपाई करनी पड़ेगी, और अगर लाभ ऑलरेडी हो रखा तो लाभ हटाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए तो 0 से 0 काट दो, 12 से 100 बार काट दो, ये हो गया क्या आपका 10,000। 0 से 0 ये 150 बार कट गया, ये क्या हो गया 15,000। कितने का माल खरीदा था? 25,000 रुपए का। कितने का बिका है माल? ये तो सवाल नहीं बता दिया, 24 का बिका, 12 का प्रत्येक। क्या रुपए की हानि हुई? रुपया की हानि पूछी है, परसेंटेज में निकालनी होती तो वो तो यही निकल जाती 4%, यही ट्रिक्स है, इसलिए तो सीखी है। अब यूं बताओ अजी, यही तरीका है इसे निकालने का कि कोई ट्रिक भी है? चलो अगर आपको ये चाहिए, नहीं जी इस तरीके से हमें थोड़ा सा लंबा लग रहा, पर समझ में तो बढ़िया आ रहा, पर थोड़ा लंबा लग रहा तरीका, तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप ज्यादातर लोग ट्रिक का ही यूज करते हैं और इसको 20 तो उनकी नजरों में इतना बढ़िया बस जाता है और इसे देखते ही कहें 4% हानि, ये तो देख के बता ही दोगे या नहीं बताओगे? यूं बताओ 4% हानि देखते ही पता लग जाए कि नहीं, 10% हानि हर लाभ हो तो 110 गुणा 90 99 आ जाएगा और 1% हानि आ जाएगी, 20-10 हो, सब कर लोगे कि नहीं करोगे ये बताओ? हो जाएंगे सब, कुल मिला के 4% हानि तक पहुंच जाओगे या नहीं? 4% हानि पहुंच गए, 24,000 पूरे माल पे देख रहा हूं मैं, 24,000 में जो माल बिका था उस पे क्या हो रहा है? उस हानि की पूर्ति कर दो, खरीद आ रही है, खरीद मिल जाएगा लाभ हानि, अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, पूरे माल पर 4%, ये पूरे पे ही तो हुआ 4% का नुकसान, तो पूरे पे एक साथ कर दिया मैंने, मेरा एकदम 25,000 आ जाएगा निकल के। देखो 4 से 25 बार, 4 से 24 बार, 24 से 1000 बार, 25,000 रुपए की खरीद और बिका कितने में? 24 में, एकदम कह दूंगा देखते ही 1,000 रुपए की हानि, ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो इसको थोड़ा सा। चलिए तो आज का काम मैथ्स में तो यही है,
रीजनिंग में किसी पे हिम्मत बच रही हो बैठे रहना, और नहीं तो चले जाओ, मैं पढ़ाऊंगा तो है ही। ठीक है,